हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं टेक सोमी का एक लेटेस्ट एपिसोड। और आपको पता ही है, कल मैंने वीडियो बनाई थी, रियलमी एक्स के अंदर हमें अपडेट मिल चुका है 8.09 का, और सबको रोल हो रहा है। जिनको टेंशन हो रही है कि यार रोल नहीं हो रहा, हमको नहीं मिल रहा, तो वेट करो, आपको मिल जाएगा, बहुत स्लोली आ रहा है सबके पास। नहीं, अगर आपको अभी वेट नहीं कर सकते हो, आपको चाहिए कि हम अपडेट करें, डार्क मोड देखना ही है, तो यार मेरी पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें चले जाना, और मैनुअली मैंने एक लिंक दे रखा है, मैनुअली उसको आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात है, रियलमी एक्स में ये डार्क मोड आ चुका है। अभी मैं नोवा लॉन्चर यूज कर रहा हूँ, बट आपको मैं बताना चाहूंगा, ये डार्क मोड जो है ना वो परफेक्ट नहीं है। डार्क मोड यार दो चीजों के लिए बनाया गया है। एक तो यार डार्क यूआई जो है वो पसंद आती है हमको, ब्लैक ब्लैक जो है वो बिल्कुल ज्यादा पसंद आता है। बट यहाँ पर एक चीज और है कि यार एमोलेड स्क्रीन्स में ना जो डार्क मोड है उससे ना बैटरी कंजम्पशन जो है वो कम होगी, मतलब आपकी जो यहाँ पे बैटरी का बैकअप है वो बढ़ना चाहिए। बट ये एक्चुअली जो हमें रियलमी एक्स में डार्क मोड मिला है ना, वो डार्क मोड देखने में तो डार्क है, मतलब हमें ब्लैक देखने में लग रहा है, बट बहुत सी मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस में यार ये ब्लैक है ही नहीं है, ग्रेइश कलर है। और मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई ग्रेइश कलर आ रहा है, ब्लैक आ ही नहीं रहा, तो ये समस्या मैंने भी देखी है। अभी देखो नोवा लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे वॉलपेपर देखोगे, पहली चीज़ यहाँ पे जो वॉलपेपर है ये एकदम पिच ब्लैक है, जिसके कारण जो बैटरी है ना वो कंज्यूम नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ना एरियाज़ में पिक्सल लिटअप ही नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा, ये नोवा लॉन्चर का ब्लैक देखो ज़रा, बैक साइड पे एकदम पिच ब्लैक है। और मैं इसको अभी आपको दिखाऊँगा चेंज करके, यहाँ पे चलते हैं सिस्टम लॉन्चर जो है वो मैं सिस्टम लॉन्चर पर कर देता हूँ, जो लॉन्चर है नोवा लॉन्चर बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ कलर ओएस के मेन यूआई के ऊपर, जो कि डिफ़ॉल्ट यूआई है। ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगा। भाई साहब, ये मेरे को पहले बताओ, इसका जो बैकग्राउंड है ये वॉलपेपर क्यों है? यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक होना चाहिए था, जबकि इसका जो बैकग्राउंड है वो वॉलपेपर है। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस करके दिखाता हूँ, ये देखो जो मैंने वॉलपेपर लगा रखा है वही बैक साइड पे आ जाता है। यार ये थोड़ी सी चीज़ मेरे को ऑकवर्ड लगी, जबकि ये जो यूआई है ये आपको बैकग्राउंड पे पूरी ब्लैक देनी चाहिए थी, जो अंदर ऐप ड्रॉअर है वो ब्लैक करने चाहिए थे इनको, ताकि जो बैटरी है वो कम कंज्यूम हो सके। मतलब यहाँ पर अगर मैंने वॉलपेपर ब्लैक वाला ना लगाया हो, वाइट लगाया हो, तो ये पीछे जो बैकग्राउंड है अगेन वाइट ही रहने वाला है, फिर डार्क मोड का फायदा कोई नहीं है यार। मतलब सिर्फ आपने जो व्हाइट बैकग्राउंड है उसको उठा के वॉलपेपर लगा दिया धुंधला सा करके, फिर यार फायदा क्या है? बैटरी तो कंज्यूम हो ही नहीं, बैटरी तो कंज्यूम उतनी हो रही है, मतलब बैटरी हमारी सेव होगी नहीं, डार्क मोड कोई हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। एक चीज़ और मेरे को लोगों ने बोला, व्हाट्सएप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैंने व्हाट्सएप में जाके देखा भी, हाँ मेरे को भी लगा कि प्रॉब्लम डेफिनेटली मेरे को लगी है। देखो जैसे कि मैं चैट में जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर ब्लैक हो गया है। अब ये वाला ब्लैक जो है वो ज़्यादा ही ब्लैक नहीं है, ग्रेइश है। अब जहाँ पर चैट्स पर जाओगे, चैट्स कुछ कुछ चैट्स बिल्कुल डार्क ब्लैक आती है, कुछ कुछ यहाँ पर ग्रेइश से आ जाती है, और जो सामने वाले के मैसेज आए ना वो हमें एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं, पर जो हम मैसेज भेज रहे हैं भैया वो इनविजिबल से हो जाते हैं, मतलब एकदम ग्रीन के अंदर सिल्वर सी लाइनिंग। मेरे को लगता है आपको कैमरा में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होगा मैंने क्या टाइप किया हुआ है, मेरे को खुद को अपनी आंखों से देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कैमरा पे तो क्या ही दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब है यार, मतलब व्हाट्सएप के ऊपर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिससे आपको मैं बता सकूँगी कि व्हाट्सएप या अदर एप्स जहाँ पर आपको सही नहीं लग रहा है ये डार्क मोड, हम वहाँ पर उस डार्क मोड को बंद कर सकते हैं। मतलब आपका डार्क मोड ऑन रहेगा हर जगह पर, जहां जहां जैसे कि व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम आपको नहीं पसंद आ रहा, उन ऐप्स को हम यहां पे निकाल सकते हैं डार्क मोड से और वो डिफॉल्ट ही चलेगा। तो ये चीज आप अगर आप चाहते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो जरूर से बना दूंगा। अब यहां पर आप देखो यार, मैं व्हाट्सएप आपको दिखाया, मैं इंस्टाग्राम में लेके चलता हूं। इंस्टाग्राम की यूआई देखोगे, सॉरी मेरे से लॉक हो गया, ये लो खोल दिया मैंने। इंस्टाग्राम की यूआई देखोगे, गौरव चौधरी जी आ गए, नमस्कार भाई साहब। और यहां पर यार मेनली ना मेजॉरिटी ऑफ होम स्क्रीन पे जो यूआई है वो पूरी ब्लैक हो जाती है, नीचे से ग्रे ऊपर से ग्रे इतना चलता है, बट मेजॉरिटी ऑफ यूआई जो है वो एकदम पिच ब्लैक हो रही है, जिसके कारण मेरे को लगता है कि बैटरी कंज्यूम कम होगी, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन पे लिट अप नहीं होते भाई पिक्सल जहां पे एकदम ब्लैक हो, तो ये ठीक है। बट जैसे ही मैं जाता हूं अपनी प्रोफाइल में, ये ब्लैक नहीं है भैया, ये ग्रे है, मतलब ये ब्लैक नहीं है, ग्रे है। अब मेरे को नहीं पता कैमरा में, मेरे को लगता है आपको हर एक चीज ब्लैक दिख रही होगी, पर जब आप इसे यहां पे खुद से एक्सपीरियंस करोगे तो आधी चीजें जो है वो ग्रे आ रही है और आधी चीजें एकदम ब्लैक आ रही है। यार अगर आपको डार्क मोड लगाना ही है मेरे भाई, तो यार डार्क मोड को ऐसा लगाओ ना कि मतलब वो पूरी हर जगह पे यहाँ पे ब्लैक ही आए। अब यहाँ पे मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ पे है कि यार पीछे वॉलपेपर नहीं होना चाहिए था, फुल ब्लैक होना चाहिए था। जैसे कि नोवा लॉन्चर मैं अभी आपको फिर से दिखाता हूँ, मैं नोवा लॉन्चर अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इनका जो अपना डार्क मोड है नोवा लॉन्चर का, इसको ऊपर करूँगा तो पीछे एकदम ब्लैक हो जाता है, जिसकी वजह से बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होगी। तो ये चीज़ रियलमी ने ऐसा क्यों नहीं सोचा मेरे को नहीं पता। अगर रियलमी इस वीडियो को देख रही है, फीडबैक लो यार, एक तरह से फिर से आप डार्क मोड लेकर आओ,
कुछ ऐसा लेकर आओ ताकि बैटरी कंजम्पशन जो है वो अच्छे से, मतलब उसमें बैटरी बैकअप बढ़ सके यार, कंजम्पशन कम हो बैटरी का। तो ये चीज़ थोड़ा सा अगर देख ले। बाकी यार अगर मैं सेटिंग्स में जाके दिखाऊँ, अगेन मेरे को भी सेटिंग्स में भी एकदम पिच ब्लैक देखने को नहीं मिल रहा है, सेटिंग्स ग्रेइश है। ये मेरे को एकदम एक्सट्रीम ब्लैक वाली फीलिंग तो नहीं आती, हल्की ग्रेइश में आती है। और पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को मज़ा सा नहीं आया ये डार्क मोड पूरे का पूरा। कुछ जगह पे डार्क मोड बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट कुछ जगह पे बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे नोटिफिकेशन पैनल देखोगे, ये भी पूरा ग्रेइश है। अब इसको देख लो, फुल ग्रेइश है, क्योंकि पीछे वॉलपेपर यार ब्लर करके आ रहा है। मतलब क्यों? तो सीधी बात है यार, यहाँ पे मेरे को डार्क मोड में कुछ इश्यूज हैं, व्हाट्सएप को लेकर तो बहुत ज्यादा है। और मेरे को कमेंट करके बताना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कोई भी ऐप को अगर हम डार्क मोड में ना चलाना हो तो वो बताना हो मुझे, तो अगर आप चाहते हो उस वीडियो को मैं बना दूंगा। बट अभी के लिए इतना ही। और यार डार्क मोड यार प्लीज अपडेट करो थोड़ा सा फिर से, जो ग्रेइश पार्ट्स है उनको ब्लैक कर दो। बाकी आप मेरे को बताओ, अगर जिसने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है उसको अपडेट्स कैसे लग रहे हैं, कोई नए बग्स दिखे हो, प्रॉब्लम दिखे हो, वो मेरे साथ शेयर जरूर करना कॉमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर मैं जरूर देखूंगा। बाकी कोई मेजर बग तो देखने को मेरे को नहीं मिला है, बट या बाकी रिव्यू इसका जल्दी आने वाला है रियलमी एक्स का आफ्टर अपडेट का। ठीक है, बने रहो मेरे साथ, मैं हूं मन, आप देख रहे हैं टेक स्वामी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलता हूं। गाइज टेक केयर, कीप स्माइलिंग।